लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये रास्ता अभी बंद है और बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक्स अभी छोटी गाड़ियों के लिए भी बंद है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है प्लेन्स में तो आप बाईपास यूज़ करें, देवीद्रा वाले रास्ते से नैनीताल होते हुए कोई अन्य रास्ता यूज़ करें। ये चंपावत टनकपुर अभी ट्रांसपोर्ट के लिए बंद है और इसमें एम्बुलेंस जैसी बड़ी गाड़ियां होती हैं या जो क्रिटिकल सर्विसेज है हमारी, वो इस रास्ते का प्रयोग ना करें। और सभी से यही है कि जो लोग घरों में हैं अपने, वो ये देख लें अगर वहाँ पे कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह का सिनारियो बनता है तो अपने निकटतम रिश्तेदार के यहाँ 1-2 दिन के लिए शिफ्ट हो जाएं। अगर उनके पीछे ऐसी कोई पहाड़ी है जो लैंडस्लाइड होके उनको डैमेज कर सकती है, 4-5 ऐसे केस आए थे तो उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। पटवारी और प्रशासन मौके पे है और वो ऐसे इंडिविजुअल केसेस में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि आप आज या कल, वैसे भी सैटरडे संडे है, तो अगर आप ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करने से बचें, सेफ एरिया में रहें और पेड़ों के आसपास भी ना रहें। पेड़ भी हमारे यहाँ 5 गिरे हैं। तो इसमें जनता से मेरा यही अपील है कि सुरक्षित रहें और लैंडस्लाइड या ट्री मतलब पेड़ गिरने से या इन मतलब गदेरों के आसपास मतलब इन डिजास्टर प्रोन एरिया में ना जाएं। 20 जो रोड्स हैं वो बंद हैं और एक NH जो किलोमीटर 65, 68, 88, 100, 106, 109, 109 खुल गया, तो इतनी जगहों पे बंद है। स्वाला में जो है वो NH को काफ़ी डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज था, तो इस वजह से हम साइड पे भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आगे से भी पीछे से भी 2-3 जगह वो बंद है। जैसे ही वो खुलता है हम साइड का एक CN साहब और हम सब लोग साइड पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक वो खुल पाए, छोटे व्हीकल्स के लिए कम से कम, अगर उसको बैक कटिंग करके खोला जा सकता है, और बड़े व्हीकल्स के लिए आज तो वो नहीं खुल पाएगा। और दूसरा, हमारे पुलिया एक टूटी है और बिजली की पुल्ला में, चलथी में, मुंडियानी में, तो ये ज़्यादातर आज शाम तक रिस्टोर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ इन पे साइड जगह जगह हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड पे गिरे हुए हैं। और पानी की एज सच कोई समस्याएं नहीं है, वाटर स्कीम्स जो हैं हमारी ठीक है। 14-15 को माइनर हल्का सा डैमेज है बट वो हम जल्दी उसको दुरुस्त कर देंगे। मैदानी क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में जो वाटर लेवल है वो 1.5 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया था, तो वहाँ पे जो उसका फ्लड रिवर का फ्लड बैंक है उस पर फ्लडिंग हुई है और उसमें 5 पेड़ गिरे हैं वहाँ पे बनबसा, चीनीगोट, मनिहारगुंड इन एरियाज में। और इसमें से चीनीगोट वाले काटे जा रहे हैं और सभी हमारी पुलिस, फायर सर्विस और प्रशासन और सभी विभाग वहाँ मौके पे हैं। JCBs भी वहाँ लगाई गई हैं और NHPC के GM साहब से और सबसे तहसीलदार, इन सब ने इंस्पेक्शन भी कर लिया है मॉर्निंग में ही। और मॉर्निंग में इन्होंने सारे 18 गेट खोल दिए थे बराज के, तो पानी धीरे धीरे कम होगा और जल्दी ये जो फ्लडिंग का इश्यू है वो, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी कि टनकपुर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साल या जब भी वो ड्रेनेज प्लान रेडी हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी।